बहुत बड़ा दिन है कि जहां मैं सुखा सिंह मेहताब सिंह जी के गुरुद्वारा में आया तो वहीं पर बिश्नोई समाज का मंदिर में आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिश्नोई समाज की जो उन्होंने बातें की मैंने बहुत तो नहीं, पर मेरे को क्योंकि भजनलाल जी हमारे उस टाइम मंत्री हुआ करते थे, मेरे फादर भी मिनिस्टर थे, तो उस टाइम मैं छोटा था, बातें सुनता रहा। आपने कभी झुकना नहीं सीखा, ये मैंने देखा है। तो जो बात आपने कह दी वो पत्थर पर लकीर होती है और पीछे मुड़कर भी आपका समाज देखता है। जो कौम जिंदा रहती है वो इनकी वजह से रहती है। अगर सिख समाज है तो हमारी जो बीबियां थी उन्होंने कुर्बानी सबसे पहले थी। तो जितनी तादाद में आप बहनों आई हो, वाकई कोई समाज पीछे नहीं रह सकता। कभी बाप मंदिर गुरुद्वारा में बेटे को बच्चे को लेकर नहीं जाता, आप लेकर जाती हैं, आप दिखाते हैं कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है। अगर मां अच्छी होगी बच्चा बहुत बड़ा बढ़ेगा। अगर मां बच्चे की चोरी को छिपाएगी तो बच्चे की वो परवरिश निकाली उसको खत्म कर रही। मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, 98 में मेरे मदर की डेथ हो गई थी, आज जहां खड़ा हूं मैं अपनी मां की वजह से। मैं इसलिए कहा गलौट साहब में दसवीं में पास हुआ तो मेरे फादर उस टाइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा मैं पास हो गया। कहने लगे कौन सी क्लास में पास हुए, उनको पता ही नहीं इतने पॉलिटिक्स में थे, पर मेरी मां जो थी उसको पता था कि कौन सी क्लास में है। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, हेतराम जी आपने बहुत बड़ी बात की, आपने कहा कि कई चीफ मिनिस्टर आए नींव पत्थर ला के अनाउंस करके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। प्रकाश सिंह बादल 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, मेरे एरिया में 2 बार लड़कियों के कॉलेज का फाउंडेशन स्टोर रखा, नींव पत्थर रखा, तो कॉलेज खड़ा ही, वही 2 खड़े रहे। मैंने जब मैं बना 2017 में मैं बना, सबसे पहले मैं वो काम किया लड़कियों का कॉलेज, मैंने 13 करोड़ की लागत से पहले साल ही बना दिया। तो अगर लड़की पढ़ेगी तो 2 घर पढ़ते हैं, 1 ससुराल का और 1 मायके का। तो मेरा ख्याल है कि आज आप कॉलेज को जरूर देकर ही जाएंगे। ये इनकी मांग गई है जब मेरी है, क्योंकि मैं बड़ी एक मजेदार आपको बात बेटी की बताना चाहता हूं। मैं 2002 में एमएलए बना तो उस टाइम करप्शन का बहुत बोलबाला था, ये खा गया वो खा गया 2004 तक। मेरी बेटी उस टाइम मेरे ख्याल 7 साल की हो गई, मेरे फादर कहने लगे दीपा तूने अपने स्कूल में जाकर बताया है कि मेरा डैडी एमएलए बन गया। कहने लगी नहीं, कहने क्यों, कहने बहुत स्कूल में कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो चोर है, पैसे ही खाते हैं। मेरे फादर ने कहा कि तेरी बेटी की बात तूने सुन ली। कहने लगे ये भगवान का रूप होती है बेटी, तो बेटी बाप को रास्ते पर भी लाती है, उसका ध्यान हटा देती है। बेटी गुस्सा मत करना, बेटी बाप से सबसे ज्यादा, मां बाप से बेटी प्यार करती है।